Hello everyone. So in this lecture we will see the merits and the demerits of the presidential form of government. So first we will look after the merits, then moving ahead we will see the demerits. So what can be the merits you can think of the presidential form of government? The very first merit and the very important is that the government in US is very stable, not only stable, very stable government. वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होता है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को चूज करके भेजते हैं। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता किस पार्टी की मेजोरिटी है, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हो या रिपब्लिकन पार्टी से हो, द प्रेसिडेंट इज चोजन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। उनका पार्टी से लेने देना कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे, जिस पार्टी की बहुमत होगी, जिस पार्टी की लोकसभा में बहुमत होगी, उसी पार्टी की सरकार बनती है। ऐसा नहीं होगा कि भाजपा की बहुमत आई और कांग्रेस से सरकार बना ली, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लोग चुन के भेजते हैं, एमपी एंड एमएलएस, एंड देन जो है इन लोगों में से, लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव डिराइव होते हैं, एग्जीक्यूटिव। सो यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता जैसे यूएस में होता है। सो इट मेक्स द यूएस गवर्नमेंट वेरी स्टेबल, क्योंकि प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजोरिटी हो नहीं हो उस पर से फर्क नहीं पड़ता, जस्ट इलेक्टोरल कॉलेज विल चूज द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट विल चूज हिज टीम ऑफ सेक्रेटरीज एंड हु आर एक्सपर्ट इन देयर पर्टिकुलर फील्ड। तो द गवर्नमेंट इन द प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी स्टेबल। ओके, देन वाट कैन बी द सेकेंड मेरिट यू कैन थिंक ऑफ इन द प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? द सेकेंड मेरिट इज डेफिनेटनेस इन पॉलिसी मेकिंग। सो गवर्नेंस इज द अटरमोस्ट प्रायोरिटी, गवर्नेंस इज द अटरमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द प्रेजिडेंट इन यूएस। पॉलिसी मेकिंग इज डन बाय द टीम ऑफ द एक्सपर्ट्स। जैसे इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन भी किया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज करते हुए बहुत सारे समीकरण बिठाने पड़ते हैं। ही हैज़ टू लुक आफ्टर द स्टेट्स, किस किस राज्य से मंत्रिमंडल में जो है जगह होनी चाहिए, हर राज्य से कोई ना कोई मंत्री होना चाहिए, कौन सा रिलीजन है, क्या कास्ट है, वोट बैंक, ये सब कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन यूएस में क्या होता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है प्रेसिडेंट को चूज करके उसको प्रेसिडेंट ऑफिस में भेज देगा। तो प्रेसिडेंट विल मेक हिज ओन टीम, और वो टीम इलेक्टेड टीम नहीं होती है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं उनको, अपॉइंट करते हैं उनको। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिज सेक्रेटरीज, जैसे हम इंडिया में मिनिस्टर्स बोलते हैं वहाँ पर सेक्रेटरीज बोलते हैं। सो ही विल अपॉइंट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, तो ऐसे करके वो अपनी टीम का गठन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब वो अपनी टीम का गठन करते हैं, देन व्हेन ही इज अपॉइंटिंग समवन एज अ सेक्रेटरी, ही इज द एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। वो 30-35 साल से उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, दे आर द एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। सो दिस इज वन ऑफ द मेरिट ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट देर इज डेफिनेटनेस इन द पॉलिसी मेकिंग। ओके, देयर सेक्रेटरीज आर द टीम ऑफ द एक्सपर्ट्स, दे फॉर्मुलेट द लॉज, पॉलिसीज इन दोज पर्टिकुलर फील्ड, एंड दे आर द एक्सपर्ट्स ऑफ दोज फील्ड्स, दे आर वर्किंग इन दोज फील्ड्स since past 20-30 years, so they are experts. So this is one of the important merit, that there is definiteness in policy making. So they implement the policies very well, they make the policies very well, they formulate the policies for the welfare of the people. So this is the second merit of the presidential form of government. What is third? Third point, aapko upar wale point mein hi jaise maine bataya clear ho jayega, is a government of experts. गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स क्यों? मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरीज को, और जो सेक्रेटरीज होते हैं दे आर द एक्सपर्ट्स इन दो इन देयर पर्टिकुलर फील्ड। ओके, नाउ व्हाट इज द फोर्थ मेरिट? एफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। मैंने आपको बताया जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और लेजिस्लेचर, ये दोनों इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं यूएस में। इंडिया की तरह नहीं है कि एग्जीक्यूटिव्स आर बोर्न आउट ऑफ द लेजिस्लेचर, कि पहले आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उसके बाद आप जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं में से कोई जिसकी जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी उसमें से ही उस पार्टी का जो लीडर होगा उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, देन प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत सारे समीकरण बिठा के उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन कर दिया। ऐसा यूएस में नहीं होता है, यूएस में दोनों चीज़ इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है। प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता है अलग से, और इलेक्टोरल कॉलेज विल चूज द प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट विल चूज द हिज सेक्रेटरीज, और ये सेक्रेटरीज इलेक्टेड नहीं होते, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हु आर द एक्सपर्ट इन दोज पर्टिकुलर फील्ड्स, ठीक है।
तो एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेटिव बोथ फंक्शन इंडिपेंडेंटली. नाउ वी विल सी द डीमेरिट्स ऑफ द प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो व्हाट कैन बी द डीमेरिट्स ऑफ द प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? नंबर वन इज नॉन रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव्स. अभी मैंने ऊपर डिस्कशन भी किया था, ये एग्जीक्यूटिव्स है भाई, ये लेजिस्लेचर है, दोनों इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं. ये कोई भी एक्शन लेंगे, कुछ भी एक्शन लेते हैं ये, सो दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल्स, क्योंकि सेक्रेटरीज तो अपॉइंटेड हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सो दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. सो दे आर नॉन रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव्स, दे आर नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर. जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कि जो है प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर बोर्न आउट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल, दे आर अकाउंटेबल, दे हैव टू गिव द आंसर टू द लेजिस्लेचर. नहीं, वहाँ पे नहीं है ऐसा. सो इट इज़ वन ऑफ द डीमेरिट दैट दे आर नॉन रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव्स. नंबर टू इज टू मच कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन प्रेजिडेंट ऑफिस. वहाँ पर बहुत बहुत पावर है प्रेजिडेंट को, ही कैन टेक एनी डिसीजन. स्टेबल गवर्नमेंट है, सरकार गिरने का डर भी नहीं है, सो प्रेजिडेंट ऑफिस के में बहुत पावर है, बहुत ताकत है. ही कैन टेक बहुत बड़े बड़े डिसीजन ही कैन टेक. जैसे मैंने आप पहले भी इस बात का जो है मैंने बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप की आप टर्म देखना, बहुत बड़े बड़े डिसीजन उन्होंने लिए थे, ईरान से रिश्ते ख़त्म कर देना या कुछ भी डिसीजन ले सकता है वहाँ पर प्रेजिडेंट. इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं कर सकते, कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन इतनी स्टेबिलिटी होती है, बहुत स्टेबल गवर्नमेंट होती है, तो उनको डर नहीं होता. ही कैन टेक एनी डिसीजन. नंबर थर्ड इज नैरो रिप्रेजेंटेशन. नैरो रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव्स. व्हाट डज इट मीन? इसको हम एक चीज और कहते हैं, दैट इज स्पॉइल सिस्टम. स्पॉइल सिस्टम, अब इसको स्पॉइल सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? स्पॉइल सिस्टम क्या होता है कि जब आप किसी को फेवरेबल ट्रीटमेंट देते हो, आप किसी को, ठीक है, इसके लिए एक वर्ड है नेपोटिज्म. जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप की टर्म आई थी, तब आपने देखा होगा उन्होंने अपने जो है ये सन इन लॉ और डॉटर को भी अपने उसमें टीम में उनको जगह दी हुई थी. बहुत इंपॉर्टेंट और पोजिशन उन पर उनको बिठाया हुआ था. प्रेजिडेंट ट्रंप को इतनी पावर है वहाँ पे, ही कैन अपॉइंट एनी वन एज द सेक्रेटरी ऑफ एनी डिपार्टमेंट, ठीक है. इसमें क्या होता है ना कि समटाइम्स नेपोटिज्म टेक्स द प्रायोरिटी, सो इसलिए ये इट इज़ वन ऑफ द डीमेरिट. हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा कि एक दो केस में ऐसा, अदरवाइज वहाँ पे जो है टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो है उनको ही सेक्रेटरी बनाया जाता है. द पर्सन हु इज़ वेरी एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड एंड हु हैव बीन वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड सिंस पास्ट 20-30 ईयर्स, ओनली दोज पर्सन आर गिवन द स्पेस इन द एज द सेक्रेटरी ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स. सो दिस इज बट दिस इज़ वन ऑफ द डीमेरिट कि प्रेजिडेंट को इतनी ताकत है कि वो किसी जिसे भी चाहे उसको सेक्रेटरी बना दे. नंबर फोर, फ्रीक्वेंट डेडलॉक्स. डेडलॉक किनके बीच में? बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स एंड द लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में यू कैन सी द फ्रीक्वेंट डेडलॉक्स. अब अगर मैं एक बार इंडिया का एग्जाम्पल एक समझाऊं, इंडिया में जिस भी पार्टी की मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर ली एक बार, वो जो भी लॉ चाहे वो इजीली पास करा सकते हैं, ठीक. यूएस में ऐसा नहीं है. मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता है, वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेजोरिटी गवर्नमेंट से किस गवर्नमेंट से है, वो अपने सेक्रेटरीज चूज़ करते हैं, देन दे फॉर्मेट द पॉलिसीज़. तो वो जब कई बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट कोई लॉ लेना लॉ लाना चाहे, उसको मतलब उन्होंने क्या प्रपोज़ किया लॉ को, तो लेजिस्लेचर ने खारिज कर दिया, वो पास ही नहीं होने दिया. ऐसा हुआ था व्हेन ओबामा वाज द प्रेसिडेंट, वो एक ओबामा हेल्थ केयर कोई बिल लेके आए थे एंड वो पास नहीं हो पाया था. ये आप डेडलॉक्स आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे वहाँ पर, क्योंकि मैंने इंडिया में तो बहुत ईजी है कि एक बार जो भी जिसकी गवर्नमेंट होगी भाई, वो ऑब्वियसली मेजोरिटी गवर्नमेंट होगी उनकी, मेजोरिटी होगी उनकी लोकसभा में, तभी उनकी सरकार बनी है. और जब मेजोरिटी है तो वो जो लॉ चाहे उसको ईजिली पास करा लेंगे अपनी मेजोरिटी के दम पे. लेकिन इन यूएस यू विल सी द फ्रीक्वेंट डेडलॉक्स. तो दीज ऑल आर द डीमेरिट्स ऑफ द प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. थैंक यू सो मच.